है सानिया नर्सरी, जहां पर आज हम आए हैं आपके लिए ये बताने और दिखाने कि आखिर सानिया नर्सरी में क्या कुछ है। एड्रेस आपको बता देते हैं कि ये सानिया नर्सरी जो है पटना कुम्हरार रोड पर स्थित है और मेरे अपोजिट साइड जो है ना कुम्हरार पार्क है और ये कुम्हरार पार्क के अपोजिट साइड में ये रोड साइड नर्सरी है और ये जो नर्सरी चलाते हैं मोहम्मद सद्दाम जी हैं। मोहम्मद सद्दाम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक है भैया। चलिए आप अपना नर्सरी घुमा दीजिए और यहाँ शुरुआत करते हैं और दाम सहित बता दीजिए। ये आपको है डिफरेंटेशिया, परमानेंट है, ये इंडोर में प्लांट आपको रखा जाता है। ये आइए जेनेंडो है, ये भी प्लांट है इंडोर के लिए। और ये मधुकामनी है, दाम ये दाम, दाम। इसका आपको पड़ जाएगा ये 200 रुपया और ये 100 रुपया पीस पड़ेगा डिफरेंटेशिया का। ये 300 रुपया कामनी पड़ेगा। और ये अलमंडा है जिसकी फ्लावर आपको वह सामने नजर आ रहा है और हाइबिस्कस है, इसमें पुणे वैरायटी, इसमें बहुत से कलर मिलेंगे। अलमंडा जो वो पीले रंग के हैं जी जी। और ये अडेनियम है ग्राफ्टिंग, ये विदाउट ग्राफ्टिंग है, तो ये आपको पड़ जाएगा 1500 रुपये का ये। और फिर इधर आपको है ये आपको परिजात इसको बोलते हैं, इसकी आपको 50 रुपये है। और इसके बाद आपको इधर है, हाँ वो भी अडेनियम ही है, अडेनियम है, आपको 1500 रुपये का है, डेस्ला अडेनियम है। वो उड़ की वो हाइबिस्कस है उसमें। कितने का है सब ये? आपको 100 रुपये का हाइबिस्कस। ये सब सीडलिंग तैयार हो रहा है जी? हाँ, ये सीडलिंग में अभी तैयार स्टार्टिंग हुआ है अभी। अभी बिहार के क्लाइमेट में है कि अभी 1 अक्टूबर से सीडलिंग मार्केट पटना में लगता है। ये खुद तैयार करते हैं या बाहर से भी मंगवाते हैं? नहीं, हम लोग पूरा सीडलिंग यहीं पटने में तैयार करते हैं। चलिए सीडलिंग पे एक अलग वीडियो हम विस्तार से बता देंगे। और ये सब खाद वाद भी रखते हैं, कैसे क्या दाम है खाद वाद? खाद का है नीम खली, वही 70 रुपये किलो है आपको। अबॉन है आपको 70 रुपये किलो, अंडी भी 70 रुपये किलो। और ये सब बता दीजिए, सॉन्ग ऑफ इंडिया से स्टार्ट करते हैं। सॉन्ग ऑफ इंडिया है आपको, डेसीना है, मिनी कामनी है, और ये तो आपको 250, ये आपको 80 रुपये का है, पाइनस इसको बोलते हैं। आपको 60 रुपये का ये आपको डेसीना है, डेसीना आपको पड़ जाएगा वही 60 रुपये। ये डेसीना है ब्राउन कलर की जो आपको दिख रहा है, ये 60 रुपये का। और वो क्रोटन, क्रोटन वो भी आपको 80 रुपये का आएगा। क्रोटन की उधर जो फ्लावर है वो आपको रंगन है, वो 100 रुपये के रेंज में है अभी। उसकी फिलहाल अभी जो है परमानेंट वो रहती है, तो आप प्लांट पर फोकस इतना नहीं है, आप सीजन आप फ्लावर पर आ गया। अच्छा, ये साला खिलने वाला है जी जी। हाँ, जो लाल रंग का फ्लावर दिख रहे हैं ना वो 100 रुपये बताया ना आपने? जी हाँ जी हाँ, वो 100 रुपये की है। अब आगे स्नेक प्लांट के भी दाम बता, 100 रुपये पीस स्नेक प्लांट है। ये छोटा है तो कुछ कम नहीं लगा? नहीं, वही आपको जो भी है इसमें मिनी है, देखिए जो भी है आपको सब 100 रुपये, कोई भी आप ले लीजिए, बड़ा लीजिए या छोटा लीजिए। चलिए, और ये फन पत्ता है 100 रुपीज। और ये स्पाइडर प्लांट है, कितना? ये भी आपको 100 रुपये का। इसका क्रोटन, क्रोटन भी 100 रुपये का, 7 इंची पॉट में 100 रुपये का। ये जोनिया है, ये आपको पड़ेगा 150 रुपये का। सो प्लांट है जी, ये आप बॉन्जाई भी बना सकते हैं, सो प्लांट भी है। और ये है पोनोसटिया, ये ठंडी की सर्दी की मौसम की बहुत अच्छी कलर पत्ते होती है। ये इसकी रेड रेड होती है और ये पिंक पिंक होती है इसकी। और ये बहुत से खैर है और अशोक भी है। कितने का है अशोक? आपको पड़ेगा वही 100 रुपये और खैर आपको पड़ेगा 50 रुपये। और ये फ्लावर कुछ दिख रहा है? ये आपको तागरी है 50 रुपये, मैंडेवेला आपको पड़ेगा ये व्हाइट वाला, ये मैंडेवेला आपको 100 रुपये पड़ेगा। कड़ी पत्ता दिख रहा है? कड़ी पत्ता 30 रुपीज। वो सब क्या है? ये आंवला है, ये आंवला हो गया आपको, कटहल हो गया, कटहल आपको पड़ेगा ग्राफ्टिंग है, ये आपको 100 रुपये पड़ेगा। ये भी कटहल है क्या? जी हाँ, कटहल है वो, 100 रुपये का कटहल इनकी नर्सरी में मिल रहा है, पटना कुम्हरार रोड पे इनकी नर्सरी है। और एरिका पाम, एरिका पाम आपको साइज के अनुसार से, छोटा में आपको लीजिएगा 7 इंची पॉट में तो वो आपको 100 रुपये पड़ेगा, और 8 इंची पॉट में रहेगा तो 150 का पड़ेगा। ये नाग चंपा, इसको प्रीमुलिया भी बोलते हैं, जिसकी फ्लावर वो व्हाइट वाली है बाहर, ये नाग चंपा है, नाग चंपा। हाँ चलिए, उस फ्लावर तो बहुत खूबसूरत, कौन से इसी सीजन में खिलता है? ये 12 मास रहता है, और ये जो है ये आपको 10 महीना फूल रहेगा। हाँ, और ये आपको 10 महीना 2 महीना फूल नहीं रहेगा, आपको जनवरी से लेके फरवरी मार्च तक नहीं रहेगा, मार्च के बाद उसके बाद फ्लावर। ये आपको जामिया, ये जामिया नेमू है,
और ये काजी है, देख सकते हैं इनकी जो नर्सरी है ना वो रेलवे लाइन के किनारे है और इस वक्त रेल देख सकते हैं ट्रेन जो है वो गुजर रही है और रेलवे लाइन के किनारे इनकी नर्सरी और नर्सरी के पार मुख्य रोड पटना कंकड़बाग का जो रोड जाना जाता है और रेलवे लाइन के किनारे भी पीछे इनके पास देख सकते हैं कई सीडलिंग और वैरायटीज है लेकिन एक चीज वेजिटेबल का सीडलिंग है सीडलिंग पे हम अलग वीडियो बनाएंगे सब कुछ ना एक साथ गिचपिच हो जाता है वो जो पौधा बताया था जो नाग चंपा देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है और कितना खिला हुआ और यूं ही रेलवे के किनारे लगता है कि गलती से हो गया है वो लगाया गया कि थोड़ा सा कवर अच्छा लगे हाँ। और उसके बाद आप आइएगा बहुत सारा गंद भी आती है क्या नहीं गंद नहीं आती है बहुत खूबसूरत है ये 100 रुपए का मिल रहा है ना आपके हाँ। देखिए उनके नर्सरी में बड़ा सा पौधा है वो 100 रुपए में ये सब किसके लिए तैयार हो रहा है कौन से पौधे के लिए ये जिनिया के लिए तैयार हो रहा है सीडलिंग के ये प्लांट सीजनल ठंडे के सीजनल तैयार हो रहा है जिनिया और मैरीगोल्ड कोलिस ये कोलियस का वैरायटी तो बहुत सा है अंदर में थोड़ा सा ड्रेसिंग हुई उसकी हाइट थोड़ा सा बड़ी भी थी ड्रेसिंग हुई थी उसकी कोलियस का कितना दाम है कोलियस तो मेरे यहाँ 50 रुपीज पड़ेगा कोई भी कलर आप दीजिए वैरायटी उधर है चलिए थोड़ा आगे देखते हैं रेलवे लाइन के किनारे तक हम आ गए ये आम का है आम्रपाली आपको 150 रुपए है 200 जो तस्वीरें देख रहे हैं ये सब कोलियस की वैरायटी 50 रुपए जी हाँ 50 रुपीज 50 रुपए में कोलियस का पौधा इनके यहाँ मिल रहा और एक अभी ड्रेसिंग हुई है एक ड्रेसिंग बोले तो कटिंग हुई है कि इसकी हाइट अभी बड़ी भी थी 3-3 फीट 4-4 फीट हाइट हुई थी अच्छा इस वजह से इसको ड्रेसिंग कर दिया कि छोटा में ये रह जाए अब ये गुलदाउदी में बहुत से कलर मिलेगी मेरे पास 50 कलर इधर मिलेगी ये जो 50 कलर आपको है ये पूना वैरायटी है और थाईलैंड वैरायटी उधर भी आई है उधर अभी नया चीज आया है वो क्या रेंज क्या है ये सब गुलदाबदी का इसका है 40 रुपीज है आपको 40 रुपए का एक गुलदाबदी का पौधा कोई भी लीजिए आपको मिलेगा कुछ और ज्यादा ये ग्रीन कलर का है कुछ डोजन के हिसाब से दर्जन के हिसाब से लेंगे हाँ, तो वो क्वांटिटी कम हो जाएगा हाँ। ये है आपको देखिए ये ग्रीन कलर का गुलदाउदी है ग्रीन कलर का गुलदाउदी जी हाँ ग्रीन कलर का गुलदाउदी मार्केट में बहुत कम मिलेगा अच्छा आगे भी कोलियस ही नजर आ रही है मुझे जी जी हाँ इधर है ये सब क्या क्लैंचू ये भी है ये जारे के मौसम का सिग्नल है ये देखिए और परमानेंट पे रही है हाँ देखिए आपको कोलियस की ये क्लंचू बोलते हैं कितने का दाम है इसका क्लंचू 100 रुपया 100 रुपए का है देखिए कोलियस की खूबसूरती आपको देखनी है ना तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो तो कटिंग जो ये बता रहे थे कि 50 रुपए में देते हैं और ये पूरा पेड़ है देखिए अलग अलग हल्का सा शेड में ये कलर में आता है थोड़ा सा रेडिश है थोड़ा सा ग्रीनिश है ये जो आपको ये है ना देखिए ये इसको है ये फूल को तोड़ना पड़ेगा तब पेड़ आपका पेड़ सही रहेगा अच्छा बहुत सारा देखते हैं कि कस्टमर लोग ये है कि इसको छोड़ देते हैं फूल से अच्छा लग रहा है कि ये पेड़ को उम्र खराब करता है जैसे ये ग्रोथ जो है ये बुढ़ा जाता है ये पेड़ ये टूटने के कारण से क्या है कि ये फुटान टूट जाता है तो इसकी पेड़ की ताकत क्षमता बढ़ जाती है कोलियस के लिए टिप्स जी हाँ देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये कोलियस का पौधा 50 रुपए में आप खरीदारी कर सकते हैं सालों भर रहता है 2-3 साल तक चलता है ना बचा सकते हैं चलिए आगे चलते हैं आगे भी नर्सरी अच्छी नर्सरी लग रही है रोड साइड नर्सरी की खासियत ये होती है कि दाम जो है वो थोड़ा कम रहता है कितने सालों से नर्सरी चला रहे हैं 15 साल से कैसा एक्सपीरियंस है आपका ये मेरे बाबू जी का है एक्सपीरियंस हाँ वो आप है वो 50 साल से हुआ ये वर्क ये इसका टाइम आउट हो गया है ये आप खिलने का टाइम हो गया है तो इसको ये बोलते हैं बालसम ये बालसम है ये बहुत से आदमी कस्टमर जो है ना बहुत से लगाते हैं कि अभी के मौसम में सब खोजना स्टार्ट कर देता है हाँ। तो ये सीजन पे लगता है ये जून में सीडलिंग इसका गिरता है हाँ। जून जुलाई अगस्त के बाद इसका सीडलिंग बिकना बंद हो जाता है हाँ। और अभी मार्केट में देखते हैं बहुत से सीडलिंग खोज रहा है शायद मुझे वो लग रहा है सागवान है क्या नहीं ये है आपको कदम का पेड़ है कदम जी हाँ ये है आपको ये क्या बोलते हैं वो फ्लावर वाला है क्या नहीं फ्लावर नहीं है बहुत अच्छा है क्या तो पेड़ सागवान एक तो बोलते हैं सागवान नहीं है महोगनी भी नहीं है ये है शीशम है काला शीशम है हाँ ये काला शीशम है और गुलदाउदी की कुछ वैरायटी मेरे पास ये क्यारी के लिए हमने लगाया हुआ था अच्छा नाग चंपा बताया था ना आपने जी हाँ नाग चंपा प्रीमुलिया भी बोलते हैं इसको प्रीमुलिया अच्छा लगता है फ्लावर जो आते हैं ना तो ये कौन सा टाइम पोर्टोला का इसका टाइम आप थोड़ा सा 10-15 दिन के बाद इसका टाइम खत्म हो जाएगा अच्छा ये अब आउट ऑफ डेट ये डेट हो गया है अभी लेना जी जी ये बीच बीच में ये क्या दिख रहा है मुझे ये छूम हुई है भैया टचमी नॉट कितने का है ये तो आपको 20 रुपीज यहाँ मिल जाएगा देखिए देखिए टचमी नॉट में इतना मजा आता है इधर आपको सूख गया इधर भी है
टचमी नॉट, नीम का ही पौधा दिख रहा है, कितने का है? नीम का तो आपको 30 रुपीज, 30 रुपीज, ठीक है। चलिए आगे भी कुछ, उसका भी टाइम चला गया। हाँ, उसका टाइम अब खत्म हो गया है, मार्केट में बेचने वाला बेच रहा है, अभी भी बेच देता है उसको। हाँ, आइए अपराजिता के बारे में ब्लू बैग नहीं दिखाते आपको, ये आपको गुलाब का कटिंग हो गया ये। अच्छा, ये इसके बारे में क्या बोलते हैं? एक जोड़ा। 12 मास फूल रहता है इसका। एक जोड़ा देखिए कितना खिला हुआ है, जो कस्टमर आपके यहाँ से एक जोड़ा के प्लांट लेके जाएंगे इतना खिलेगा उनके यहाँ? ये तो पॉट में आपको कम से कम 24 इंची में लगाना पड़ेगा। हाँ, 24 इंची भी लगाना पड़ेगा इसको। मैम छाया हुआ एक जोड़ा, मैं घुस रहा हूँ एक जोड़ा के पास जा रहा हूँ, देखिए। और ये 12 मास खिलता है जी। हाँ, क्या टिप्स अगर देना चाहेंगे अगर आप, क्योंकि आपसे बेहतर कौन जानता होगा, अगर 24 इंची के पॉट में लगा रहे हैं तो क्या क्या टिप्स? बस इसका साले साल छटाया ड्रेसिंग होना चाहिए, फरवरी के समय में ड्रेसिंग हो जाएगा तो वो आपको आउट जहाँ पर 100 कली के जगह पर 200 कली ले लेगा। कटिंग जी। हाँ, ड्रेसिंग खाद की बात करें तो खाद मिक्सचर खाद जैसे नीम अंडी ये सब मिला के वो डाल सकते हैं। हाँ, ये आप डाल सकते हैं। गुलाब का भी कटिंग का सीजन अब आने वाला है। हाँ, सीजन मैंने पहले कर दिया वो उधर। हाँ, बड़ा वाला गुलाब है रोज, और बैगन बेलिया में है ये। बोगन बेलिया कितनी वैरायटी है? बोगन बेलिया, बैगन बेलिया का वैरायटी आपको है, देखिए उधर है, उधर भी है आपको, इसमें कम से कम मिल जाएगा 10 वैरायटी। 10 वैराइटीज आगे भी है कुछ की? लगा गुलाब। हाँ, भी दिख रहा जी। हाँ, वो बाहर का गुलदौदी है, वो सब पुणे वैरायटी नहीं, नहीं वो सब जो थाईलैंड वाला बता रहे थे मैं आपको। अच्छा, आप बोलते हैं ये थाईलैंड तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या समझे कि थाईलैंड से आया है वो पौधा? जी हाँ, प्रोडक्ट थाईलैंड का बहुत सारा, देखिए इधर आइए आप, इसको आप हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये जो गुलदौदी है अभी मार्केट में किसी जगह आप जाइएगा तो अभी कली नहीं लिया गया। इस प्रोडक्ट का इतनी ही हाइट रहेगा और पूरे ये एकदम गोल सा एकदम फूल रहेगा, फूल की ज्यादा मात्रा इसमें रहेगा। वही चीज ये है। कितने का है ये? अभी हम लोग बेच रहे हैं 50 रुपीज। थाईलैंड से आया है ये? जी हाँ, प्रोडक्ट थाईलैंड का है सब। देखिए ना कितना छोटा पौधा है, एक उंगली जितनी मेरी हाइट है उतनी बड़ी इस पौधे की हाइट है, और इसमें मुझे कली जो है 1 2 3 4 5 मतलब की 15 कली तो होंगे ही, जो हाँ, कि फूल खिलने ही वाले लगता है कि अब खिल जाएंगे। नहीं तो इसकी बंचिंग अभी थोड़ा सा टूटेगा, इसलिए कि ये अभी छोटा है और अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा और गोल होगा ये, तो ये भी वही चीज है। इसकी ब्रांच मैंने कली जो बर्ड्स आई थी उसको मैंने तोड़ दिया, वो छुई में। हाँ, नहीं नहीं वो समी है, समी का पौधा। हाँ, सनी समी ये दोनों है, हम लोग के हिंदू घरों में समी का पौधा जी जी। हाँ हाँ हाँ, उसको बहुत महत्व है। और इसके बारे में ये है देखिए, बोगनवेलिया ये हाइब्रिड वाला ये, इसकी हाइट आपको मैक्सिमम अगर वो जमीन में आप लगाते हैं। हाँ, तो इसकी हाइट जब मैक्सिमम जाएगा आपको 4 फीट 5 फीट। हाँ, और बॉन्साई प्लेट में ये सब रह जाएगा। हाँ, वो आखिरी? हाँ, वो है सुलेसिया। तुलेसिया, सुलेसिया। हाँ, ये भी जाने का फूल होता है। हाँ, ये आपको डबल लेयर का फूल है। हाँ, ये छठ वाला है क्या? जी हाँ, ये सुलेसिया है। और ये मिट्टी भी मंगवा के आप? जी हाँ, मट्टी स्टॉक है, ये मट्टी भी बेचते हैं। ये देखिए अपराजिता का वैरायटी है, बैगनी कलर आपको बहुत मार्केट में नहीं मिलेगा, और ब्लू तो सब जगह मिलेगा, डबल लेयर आपको ब्लू कम मिलता है डबल लेयर में। सद्दाम जी, आपकी जो नर्सरी है वो कुमरार पार्क के अपोजिट साइड में है जी? जी, आसपास के इलाके में और भी नर्सरियां होंगी? जी जी हाँ, बहुत सारा। हाँ, आप किस तरीके से लोग अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं, आके तक कि कोई पौधा लेने आया तो दोबारा आपके दुकान पर आया? मिट्टी दिख रहा है, मिट्टी भी कैसे? जी जी, मिट्टी मेरे शहरों में मिट्टी बहुत दिक्कत होती है बहुत। जी जी, मार्केट में तो मिट्टी का भी बहुत दिक्कत है, अभी पटना के अंदर में 40 किलोमीटर दायरे के अंदर में मिट्टी भी नहीं कट रहा। ये सब आ रहा अरवल जिला से, कोई बहुत जगह नौबतपुर से भी आ रहा, तो ये क्या है कि अभी मिट्टी हम लोग खाद बना भी है वो 200 रुपये में देते हैं, खाद बना में मिट्टी के साथ गोबर के मिक्स के साथ। हाँ, डालिए पॉट में। हाँ, बस कंप्लीट अपने 200 रुपये एक बोरे में। कितना किलो रहता होगा? 25-30 किलो? 30 किलो 50 किलो भी, अगर बारिश के मौसम हो गया तो 70 किलो भी पार हो जाता है वो। पानी से भी जी हाँ, वो तो वजन हो जाता। बोरा मिट्टी पूरे मिक्स करने के साथ बर्निंग कंपोस्ट डाल के साथ। और एक चीज मुझे और भी आपके नर्सरी में दिख रही है, ये थर्माकोल के भी पॉट दिख रहा है आजकल, जो किचन गार्डनिंग करते हैं उनके लिए सबसे ये सटीक है। ये जो सर आप जो लगाए हैं ये हम लोग सीडलिंग के लिए है। हाँ, इसके अलावा आगे भी है, अगर कोई लेने आए तो आप दे सकते हैं, कस्टमर तो कस्टमर है। हाँ, तो कस्टमर को दे देते हैं आप, जैसे कस्टमर खोजा की मुझे दे दीजिए, हम कैसे पीस देते हैं 20-30, वही हम लोग जो खरीदाता है 20-30 रुपया में दे देते हैं, थमा देते हैं। 20-30 रुपया में यहाँ पर आप थर्माकोल वाले जो गमले आजकल इस्तेमाल है खासकर किचन गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं,
उसकी खरीदारी इस नर्सरी पर कर सकते हैं। मिट्टी भी यहाँ पे मिल जाती है, देखिए बहुत सारा इनके पास पड़ा हुआ है, ये तो थोड़े से पुराने हो गए, आगे इनकी नर्सरी के आगे बहुत सारे इनके पास एक तरह से कह सकते हैं कि थर्माकोल वाले गमले, अब कहूँगा ऐसे क्योंकि गमले के तौर पर ही इस्तेमाल इन दिनों पड़ा हुआ है। इसकी सानिया नर्सरी का हमने टूर करवाया लेकिन कुछ सेक्शन छोड़ दिया है, छोड़ इसलिए दिया है ताकि एक और वीडियो इनके नर्सरी का बनाए, और ये वीडियो बनेगा जो किचन गार्डनिंग, मौसम चेंज हो रहा है, बरसात विदाई लेने वाली है और आने वाला है ठंड, और ठंड के मौसम में कई सब्जियां हरी हरी लगाई जाती हैं, टमाटर, मूली, बैंगन के साथ साथ सबसे जो अहम है गोभी, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, सभी चीज़ें जो हैं, यही एक परफेक्ट मौसम है ना सद्दाम जी लगाने का, मैं सही बोल रहा हूँ? तो उन सब के बीज, छोटे छोटे पौधे भी इनकी नर्सरी में मिलते हैं, क्या क्या अवेलेबल है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, फिलहाल अभी देख लेते हैं।